हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ड्रिफ्ट स्पीड एंड मोबिलिटी के लिए फॉर्मूला डराइव किया था। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया था कि कंडक्टर के अंदर किस तरीके से फ्लो को अंडरस्टैंड करते हैं, किस तरीके से एब्सेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में हम लोग उनकी वेलोसिटी को अंडरस्टैंड करते हैं और किस तरीके से प्रेजेंस में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज की वेलोसिटी को अंडरस्टैंड करते हैं। सो प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सजेस्ट करूँगी कि पहले प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी को उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपको पता होना चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, उसके बाद ही आप यहाँ पर इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो कंटिन्यू करते हैं आज का टॉपिक। और अगर हम लोगों को ड्रिफ्ट स्पीड और इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन चाहिए तो उसके लिए हम लोगों को एक कंडक्टर को अज्यूम करना पड़ेगा। तो कंडक्टर हम लोग ले रहे हैं, ये लाइन कंडक्टर है, लेकिन इसको थोड़ा सा, क्योंकि एरिया को हम लोग को शो करना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने इसको थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा बनाया है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है, ये लाइन कंडक्टर यानी कि वायर ही आप समझ सकते हैं इसको। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और कुछ लेंथ होगा, तो कुछ वायर का एक छोटा सा टुकड़ा है ये, तो इसकी लेंथ को हम लोग डेल्टा एल मान लेते हैं, या सिर्फ एल भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। अब यहाँ पर क्या है, इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस होंगे, ऑब्वियसली बहुत सारे चार्जेस होंगे, तो पर यूनिट वॉल्यूम इसके अंदर एन इलेक्ट्रॉन हम लोग मानते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम एन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस तरीके से पूरे में इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड की बात करते हैं, तो ड्रिफ्ट स्पीड हमें तब मिलती है जब यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में, हम लोग मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाने लग जाएंगे जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। किस स्पीड से जाएंगे, ड्रिफ्ट स्पीड से ही जाएंगे, क्योंकि प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रॉन्स की या चार्ज की जो स्पीड होती है वो होती है ड्रिफ्ट स्पीड। तो वीडी स्पीड से इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग, अब थोड़ा सा थ्योरी में आप लोगों को बता देती हूँ। लेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आर एन इन यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए, लेंथ ऑफ वायर या फिर कंडक्टर इज डेल्टा एल, सो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल चार्ज हम लोगों को चाहिए कि टोटल चार्ज कितना होगा कंडक्टर में। सो टोटल चार्ज इन कंडक्टर डेल्टा क्यू इक्वल्स टू टोटल चार्ज, क्योंकि डेल्टा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो लाइन सेगमेंट है वो भी हम लोगों ने डेल्टा एल में लिया है। तो यहाँ पर इस एलिमेंट में कितने चार्ज होंगे टोटल, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो पर यूनिट वॉल्यूम में हमारे पास में एन चार्ज थे, तो क्यू इक्वल्स टू एन ई से एन ई। ठीक है, सिर्फ पर यूनिट वॉल्यूम, ये एक वॉल्यूम में चार्ज हो जाएगा एन ई,
टोटल वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो जाएगा, तो ये ए इंटू डेल्टा एल, यहाँ पर टोटल चार्ज हमारे पास में आ जाएगा। अब देखिए सारे जो चार्ज हैं वो किस स्पीड से जाएंगे, वीडी स्पीड से ही जाएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही यहाँ पर जाएंगे। तो इन चार्जेस को, ये डेल्टा एल लेंथ को कवर करने में कितना टाइम लगेगा वो अगर हम लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड करना चाहें कितना टाइम लगेगा, तो डेल्टा टी इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्टेंस कितनी है डेल्टा एल और वेलोसिटी है वी डी। तो डेल्टा टी के लिए हमारे पास में फॉर्मूला आ गया है, ये बहुत यूज़फुल है, आगे देखेंगे आप कि किस तरीके क्यों हमें डेल्टा टी की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ, क्योंकि हम लोग रिलेशन देख रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में। करंट को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, करंट आई इक्वल्स टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, इसलिए हमने डेल्टा टी को डिफाइन किया था क्योंकि यहाँ पर करंट के बीच रिलेशन चाहिए हमें। तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा क्यू की वैल्यू भी फाइंड आउट कर चुके हैं हम लोग, डेल्टा टी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर चुके हैं, ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर दें अगर, देन आई इक्वल्स टू एन ई ए डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट की है डेल्टा एल अपॉन वी डी, तो ये डेल्टा एल से ये डेल्टा एल कैंसिल हो जाएगा और वी डी जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा एन ई ए वी डी। तो ये आ गया हमारे पास में रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो एक रिलेशन तो ये हमारे पास में आ गया है। उसके बाद देखिए इस टॉपिक में हम लोग और भी बहुत सारे रिलेशंस देखने वाले हो। वी डी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वी डी इक्वल्स टू हो सकता है म्यू ई, हो सकता है ये, तो यहाँ पर अगर ये वैल्यू अगर पुट कर देते हैं देन आई इक्वल्स टू हो जाएगा एन ई ए म्यू ई, एक रिलेशन ये हमारे पास में आ गया करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में। सो यहाँ पर आप देखोगे अगर आई अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पर, अब देखिए वैसे भी एन ई ए वी डी ये सारा का सारा जो है कांस्टेंट हो जाएगा अगर आई कांस्टेंट हो जाता है, तो 4A कांस्टेंट करंट एन ई ए वी डी इक्वल्स टू कांस्टेंट। देखिए यहाँ पर एन तो वैसे ही कांस्टेंट है, ई वैसे ही कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं ए वी डी इक्वल्स टू कांस्टेंट होना चाहिए क्योंकि एन और ई तो वैसे भी कांस्टेंट ही हैं, चाहे करंट कांस्टेंट ना हो तो भी। तो यहाँ पर ए इक्वल्स टू वी डी, ए इंटू वी डी इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो या एरिया चेंज हो तो ए वन वी डी वन इक्वल्स टू कांस्टेंट चेंज कर दें अगर, ए टू वी डी टू इक्वल्स टू भी कांस्टेंट, यानी कि ये जो अगर ये इंक्रीज होगा तो ये कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, अगर ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज हो जाएगा, तो ऐसा रिलेशन इनके बीच में रहेगा। तो ए वन वी डी वन इक्वल्स टू ए टू वी डी टू, या फिर ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू वी डी टू अपॉन वी डी वन, ऐसा ही एक रिलेशन कल भी हम लोगों ने किया था। देखिए इसके ये जो रिलेशंस होते हैं ये लास्ट में हम लोग इसलिए बताते हैं ताकि कोई न्यूमेरिकल वगैरह हो तो इसकी सहायता से आसानी से सोल्व किया जा सकता है। सो इसी टॉपिक में ही, इसी वीडियो में ही आप लोग एक और टॉपिक करने वाले हो, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो
पोटेंशियल डिफरेंस और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो वी डी का फॉर्मूला, वी डी इक्वल्स टू क्या था हमारे पास में, ई टो अपॉन एम, जो कि कल के वीडियो में हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। अब देखिए यहाँ पर ई को चेंज कर सकते हैं, ई टो और एम को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पोटेंशियल के साथ शो कर सकते हैं रिलेशन में। तो ई इक्वल्स टू क्या हो सकता है, वी अपॉन एल। ये कहाँ से आया, क्योंकि वी इक्वल्स टू होता है हमारे पास में ई डॉट एल, एल इक्वल्स टू टोटल लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो ये वैल्यू अगर यहाँ पर पुट कर देते हैं तो वी डी इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास में ई टो अपॉन एम इंटू वी अपॉन एल। वी को सेपरेट कर लेंगे तो वी डी इक्वल्स टू आ जाएगा ई टो अपॉन एम एल इंटू वी। तो ये पोटेंशियल के साथ में हमारे पास में रिलेशन आ गया है। अगर एक कंडक्टर की बात करें हम लोग, तो उसके लिए ई टो एम और एल को हम लोग कॉन्स्टेंट मान सकते हैं। तो यहाँ से वी डी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा वी के साथ, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये एक छोटा सा स्मॉल सा रिलेशन है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया। अगर वीडियोस आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर करना, और आप इनको और फ्रेंड्स के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को आपको प्रेस करना है, ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर डायरेक्ट मिलती रहे। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में।